तो गाइस अगर आपके पास रियलमी की GT मास्टर एडिशन डिवाइस है तो इस डिवाइस में कौन सा जी कैम जो परफेक्टली वर्क करता है, कौन से जी कैम में आपको अच्छे आउटपुट्स देखने को मिल जाते हैं, इस वीडियो में जो आपको जी कैम सजेस्ट करने वाला हूँ उसके साथ मैं आपको XML फाइल शेयर करूंगा जो कि कन्फिगर फाइल है। उसको यूज करने के बाद दोस्तों आपको जो फोटोज का आउटपुट देखने को मिलने वाला है जैसा आपको आईफोन में आउटपुट देखने को मिल जाता है, थोड़ा आपको यहाँ पर येलो स्टोन देखने को मिल जाता है आईफोन के फोटोज में, कुछ उसी तरीके का आपको यहाँ पर येलो स्टोन जो आपके फोटोज में देखने को मिल जाएगा इस XML फाइल को यूज करने के बाद। तो कौन सा क्या मैं कौन से XML फाइल है, किस तरीके से उसको यूज करना है सभी बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो को बस स्टार्ट से एंड तक देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको काफी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर Realme से रिलेटेड। अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज़ को कैप्चर किया है, कुछ सैम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये मैंने कैप्चर किया है पोर्ट्रेट मोड में XML फाइल को यूज़ करने के बाद। थोड़ा येलो स्टोन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। जी कैम में येलो स्टोन हमें टोन जो है हमें बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता, किसी भी XML फाइल को या फिर सेटिंग्स में थोड़ा चेंजेस करने के बाद देखने को मिल जाता है। सो ये जो फोटो है ये मैंने नॉर्मली कैप्चर की थी, यहाँ पर मैंने जी कैम नहीं यूज़ किया, स्टॉक कैमरा के साथ हमें ये फोटो देखने को मिल रही है। एंड जैसे कि आप देख सकते हो उसके बाद में ये जो फोटो मैंने कैप्चर की ये मैंने कैप्चर की है जी कैम के साथ। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा येलो स्टोन जो है वो ज़रूर से देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर डिटेल्स भी देख सकते हो, आपको डिटेल्स भी जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है जी कैम के साथ। एक मेन चीज़ यहाँ पर आपका जो स्टॉक कैम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर लेता है एज डिटेक्शन में इसके एज कम्पेयर टू द जी कैम। जी कैम इतना जो है स्ट्रगल नहीं करता है जो भी एजेस है उसको डिटेक्ट करने, मगर हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल है डिवाइस को एजेस डिटेक्ट करने में। सो काफी बार यहाँ पर होता है कि जो पोर्शन है वो ज्यादा ब्लर हो जाता है या फिर काफी बार ऐसा होता है कि कोई भी पोर्शन जो है ब्लर नहीं होता, ये चीज जो है काफी देखने को मिल जाती है स्टॉक कैम के साथ, ये आपको जी कैम में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब और कुछ चीज अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूं, नाइट साइड वर्किंग है, स्लो मोशन वगैरह वर्किंग है, वीडियो मोड वगैरह वर्किंग, ये सभी नॉर्मल चीजें, ये सभी अच्छे तरीके से वर्क कर लेते हैं इस डिवाइस में बिना किसी दिक्कत के। स्लो मोशन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, नाइट साइड भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपको XML फाइल जो यूज़ करनी है वो किस तरीके से यूज़ करनी है, अगर जिन लोगों को पता नहीं उनको मैं आपको सिंपली बता देता हूँ आपको किस तरीके से फाइल को यूज़ करना है जो भी XML फाइल में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हो। वेल तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले स्टेप ये है कि आपको गूगल कैमरा एंड साथ ही साथ जो XML फाइल है उन दोनों को भी डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद सिंपली गूगल कैमरा को इंस्टॉल कीजिए, उसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपका जो भी कैप्चर का बटन है एंड साथ साथ जो आपका फोटो प्रीव्यू का बटन है उन दोनों में जो आपको ब्लैंक स्पेस देखने को मिल रहा है उस पर डबल टैप कीजिए। डबल टैप करने के बाद आपके सामने जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल का लोड करने का जो सेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल करने के बाद जहाँ पर आपने XML फाइल को डाउनलोड किया है वहाँ पे जाइए, उसको सिलेक्ट कीजिए एंड सिलेक्ट करने के बाद उसको सिंपली रिस्टोर कर लीजिए। रिस्टोर करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैमरा को क्लोज करना है, फिर से कैमरा को ओपन करना है एंड ये जो फाइल है XML फाइल वो आपके जी कैम में अच्छी तरीके से लोड हो जाएगी, उसके बाद में आप काफ़ी अच्छे फोटोज यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो और बताओ मुझे किस तरीके के रिजल्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।